प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र के जयनगर कॉलोनी में गार्डन की जमीन पर बाउंड्री वॉल को लेकर कॉलोनीनाइजर और रहवासियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी के अनुसार जयनगर कॉलोनी के गार्डन की जमीन पर नगर पालिका द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही कॉलोनाइजर के पुत्र एवं वार्ड नंबर 8 के पार्षद डॉक्टर हेमंत पटेल जेसीबी के साथ जयनगर गार्डन पहुंच गए, जहां पार्षद पति देवेंद्र शर्मा सहित रहवासियों का विवाद कॉलोनाइजर के पुत्र से हो गया, जिसको लेकर आपस में कहासुनी हो गई। मामले की शिकायत लेकर जब रहवासी थाने पहुंचे तो पुलिस ने रहवासियों को चलता कर दिया। मामले में पार्षद पति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त भूमि गार्डन की है, जहाँ नगर पालिका पीथमपुर द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉलोनाइजर के पुत्र व वार्ड नंबर 8 के पार्षद पटेल का कहना है कि उक्त जयनगर कॉलोनी मेरे पिता अशोक पटेल की है, जिसके संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। हमारे कॉलोनी के नाइजर पांडे जी थे, उन्होंने हमारे लिए गार्डन की जगह भूमि छोड़ी गई है। कई गार्डनों भूमि में इन्होंने अवैध कब्जा करके मकान बेच दिए गए। आज हमारे जयनगर चौराहे पे जो गार्डन भूमि पे निर्माण हो रहा था नगर पालिका द्वारा, तो इन्होंने आके उस जीसीबी बुला के और मुझे और मेरे आज शब्द से प्रयोग गाली बकी मुझे और बोले तू होता कोई मनाने वाला, जो कि ये गार्डन हमारे कॉलोनी नाइजर अवधेश पांडे जी ने छोड़ा हुआ था। और ये आज हमारे घर पे आए, दादागिरी करी और पूर्व में नगर पालिका ने उसमें होल करा चुके हैं, पेड़ लगा चुके हैं, पानी की टंकी रखी हुई है और बाउंड्री वॉल के आज काम चल रहा था, अभद्र व्यवहार करा मेरे साथ और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी वाइफ को बोला कि तुमको तेरे पति को यहाँ से उठा के हम बाहर भिगवा देंगे, तेरी औकात क्या हमारे सामने। इन्होंने मेरे साथ गंदी गाली दे के। हमारी जगह कॉलोनी है जयनगर कॉलोनी, वहाँ पे एमबीवी की आरक्षित जगह पे लालू शर्मा और उनके कुछ लोग वहाँ पे गार्डन निर्माण कर रहे हैं, जो कि बेबुनियाद है, जो कि टीएनसी के मैप में एमपीवी की जगह आरक्षित है, फिर भी वो जबरन वहाँ पे गार्डन और पेवर वगैरह का निर्माण कर रहे थे। हम लोग गए कि यह हमारी जगह है तो वो हमसे विवाद करने लग गए वहाँ पे और मारा कुटी पे उतर आए और महिलाओं को आगे आके ला के उन्होंने जेसीबी के समक्ष खड़ा कर दिया कि यहाँ गड्ढा नहीं खुदे, गड्ढा खुदा उसको नहीं बुरा जाएगा, और हम लोगों से बेबुनियाद मारपीट करने लग गए हमारे लड़कों से और हमीर से। अब देखना होगा कि नगर पालिका परिषद पीथमपुर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, पीथमपुर।